नमस्कार, न्यूज 19 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उनके सक्सेना। नजर डालते हैं इस वक्त के सुप्रभात राजस्थान की ओर। युवराज सिंह का एक ऐड 2012 में खूब वायरल हुआ था। जब तक बल्ला चल रहा है तब तक ठाट है, उसके बाद तो आपके चाहने वाले भी आपकी आलोचना करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हाल टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल का हो चुका है। कुछ समय पहले तक राहुल को रोहित शर्मा का उत्तराधिकारी माना जा रहा था, अब आलम तो ये है कि उन्हें टीम से बाहर निकालने की मांग की जा रही है। चोट के बाद में वापसी करने वाला कर्नाटक का यह बल्लेबाज एशिया कप में अभी तक खेले मैचों में पूरी तरह फ्लॉप रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ में पहले मैच में तो खाता भी नहीं खुला, वहीं हांगकांग जैसी कमजोर टीम के खिलाफ तो केएल इतना स्ट्रगल कर रहे थे कि मानो 80 के दशक की वेस्ट इंडीज टीम हो और उसकी फास्ट बॉलर्स की आर्मी हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने रामदेव रह रहे हैं। मुख्यमंत्री पोखरण के भड़ियाना में आम सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के रामदेव आने की सूचना पोखरण विधायक और मंत्री सालेम मोहम्मद ने दी है। वहीं गौरतलब है कि रामदेवरा में इन दिनों लोक देवता बाबा रामदेव की आस्था में भादवा मेले का 2 साल बाद आयोजन हो रहा है और देश के विभिन्न मार्गों से लाखों श्रद्धालु रामदेवरा आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के रामदेवरा आने की सूचना पर पुलिस और प्रशासन ने व्यवस्था को सुदृढ़ किया और सुरक्षा व्यवस्था के लिए समाधि परिसर में जाप्ता मजबूत किया। गुजरात के अरावली के कृष्णापुर के पास में एक तेज रफ्तार कार ने शुक्रवार की सुबह पैदल चल रहे 12 यात्रियों को कुचल दिया है। 6 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें से ज़्यादातर यात्री पंचमहल जिले के कालोल के रहने वाले थे। सभी अंबाजी दर्शन के लिए पैदल जा रहे थे और हादसे की वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के जन्मदिन से एक दिन पहले जयपुर में उनके समर्थक बड़ी संख्या में जुटने की तैयारी में है। सचिन पायलट का जन्मदिन 7 सितंबर को है, लेकिन इस बार समर्थकों से मिलने का कार्यक्रम 6 सितंबर को रखा गया है। 7 सितंबर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, इसलिए पायलट उसमें शामिल होने कन्याकुमारी जाएंगे। इस वजह से जन्मदिन से एक दिन पहले समर्थकों से मिलने का कार्यक्रम तय किया गया है। बदले हालात के बीच इस बार पायलट के जन्मदिन पर जुटने वाली भीड़ के सियासी मायने लगाए गए। सुप्रभात राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।